सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। आपका इंट्राडे गाइड पे और मैं हूँ आपका दोस्त शिवांश भसीन। तो मैं आज आपको बताऊंगा आपको 13th ऑफ अप्रैल को निफ्टी और बैंक निफ्टी पे क्या लेकर चलना है और कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं थर्सडे फ्राइडे के मार्केट पे। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था स्टॉक्स एयरटेल के बारे में बताया था, अबान ऑफशोर, इंडिको और अमर राजा राज बैटरीज और एलएनटी के बारे में। तो इन स्टॉक्स ने सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न दिया होगा और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्रूड ऑयल के प्राइसेज इंक्रीज होने वाले हैं और शायद $80 पर बैरल के ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि हमें पता है कि सऊदी अरेबिया का एक IPO आना है तो उसकी वजह से वो लोग चाहते हैं कि हम $80 पर बैरल के ऊपर अपना क्रूड को लेकर जाए और वो तभी अपना IPO लेकर आएंगे। तो हमने देखा कि आज 72 के ऊपर भी चला गया था। अब हमें देखना है जब मार्केट कल ओपन होगी तो 72 के ऊपर ओपन होती है क्रूड ऑयल या 72 के नीचे ओपन होती है, उसके हिसाब से हमें अपना ट्रेड लेना होगा। अगर क्रूड ऑयल 72 के ऊपर ओपन होती है तो जैसा कि मैंने आपको अपने बताए हुए हैं, आपको अबान ऑफशोर, डॉल्फिन ऑफशोर, अब ये सब कंपनीज लेकर चल सकते हैं, आपको अच्छा खासा फ़ायदा दे सकती है। अगर क्रूड ऑयल नीचे चले जाता है आज के दिन में तो आप पेंट सेक्टर के लेकर चल सकते हैं, एशियन पेंट्स लेकर चल सकते हैं, अपोलो टायर लेकर चल सकते हैं, तो ये आपको अच्छा खासा फ़ायदा दे सकते हैं। और जैसे कि डॉलर इंक्रीज़ हो रहा है तो डॉलर इंक्रीज़ होने से आईटी सेक्टर को सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है, तो आप आईटी सेक्टर में भी ट्रेड लेकर चल सकते हैं, जैसा कि हमने आज अच्छी खासी उसमें तेज़ी जाते हुए देखी है। तो कल कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे वो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। गोदरेज इंडस्ट्रीज, कजारिया सेरेमिक्स, जुबिलेंट फूड, वोल्टास और जस्ट डायल, ये बाय और सेल साइड के रिकमेंडेशन में आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसमें आपको गोदरेज इंडस्ट्रीज में आपको बाय करने की सलाह दी जाएगी, इसमें 585, 579 के टारगेट के साथ स्टॉप लॉस आपको 571 का लगा के चलना है। कजारिया सेरेमिक्स बाय करने की सलाह दी जाएगी आपको 176, 180 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 169.20 का लगा के चलना होगा। जुबिलेंट फूड सेल करने की सलाह दी जाएगी आपको 24, 30, 23, 90 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 2530 का लगा के चलना है। ये एक बहुत रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, शायद इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे पाए, आज भी हमने देखा इसके पास से आके इसने बाउंस बैक दिया और आखिरी के कुछ मिनटों में हमने देखा ये और नीचे की तरफ आते हुए देखा और ये शायद अब नीचे जा सकता है, तो इसको सेल करने की सलाह दी जाएगी। और एक और बात बताना चाहूँगा कि कजारिया सेरेमिक्स में आप इसमें पोजीशन लेकर चल सकते हैं और ये पोजीशन के दौर में आप शॉर्ट कवरिंग के चलते आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, तो कजारिया सेरेमिक्स को आप पोजिशनली होल्ड कर सकते हैं। वोल्टास बाय करने की सलाह 643, 651 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 633 का लगा के चलना होगा। जस्ट डायल बाय करने की सलाह दी जाएगी आपको इसमें 459, 463 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 451.45 का लगा के चलना है। अगर हम बात करें निफ्टी और बैंक निफ्टी की तो हमने देखा है कि दो दिन से यही हो रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी हमेशा नेगेटिव जोन में ही खुलते हैं, उसके बाद हमने आखिरी के जब मार्केट क्लोज होने वाली होती है फिर हम देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल्स में जाके क्लोजिंग देते हैं। तो दो दिन से यही चला हुआ आ रहा है और मैंने आपको जैसे अपना एक ट्रेंड लाइन में बताया था, मैं आपको चार्ट सभी दिखाता हूँ, ट्रेंड लाइन में मैंने आपको जो बताया था रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, वहीं से वो नीचे आने की कोशिश करता है पर वहाँ पर क्लोजिंग नहीं दे पाता और आज उसने अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो कल हमें देखना है अगर निफ्टी उस ट्रेंड लाइन के ऊपर वापस क्लोजिंग दे देता है तो जो मैंने आपको टारगेट बताया वो आपको अचीव होते हुए देख सकते हैं। बैंक निफ्टी बाय करने की सलाह दी जाएगी आपको 25,400 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 25,050 का लगा के चलना है। तो आप बढ़ते हैं चार्ट की तरफ, देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर चार्ट शो कर रहा है इंट्राडे गाइड, तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने आपके लिए यहाँ पर एक जो ट्रेंड लाइन बनाई थी ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा था जिसके बीच में निफ्टी और ट्रेड करे जा रहा था। आज हमने देखा है कि इस 10,420 के ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग दी है, तो अगर कल ये और सस्टेन कर देता है और इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपको सपोर्ट का लेवल दिख रहा है 38.2 डिग्री 10,600 तक के लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं और वहाँ पर एक जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस का काम है शायद वहाँ से हमें नीचे आने के लिए मोमेंटम मिले और वहाँ पर हमें शॉर्ट करके चलना होगा, पर अभी आपको शॉर्ट की सलाह नहीं दी जाएगी। तो अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ बढ़े तो बैंक निफ्टी पे तो जो मैंने आपको एक पैटर्न बताया था उस पैटर्न को कब का क्रॉस कर चुका है, अब जो इसका सीधा एक रेजिस्टेंस बनता है वो 38.2 डिग्री फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू बनता है, तो वहाँ पर जब जा सकता है वो आपको लेवल यहाँ शो कर ही रहा है 25,600 तक जा सकता है। तो इंट्राडे में अगर हम बात करें या पोजिशनली 19th of April की सीरीज की बैंक निफ्टी एक्सपायरी की बात करें तो 25,600 तक का लेवल हमें अचीव होते हुए देख सकता है।
तो हमने देखा कि आज सीपीआई और आईआईपी के इन्फ्लेशन के रिजल्ट्स आए थे, तो हमने देखा था कि जैसे हमने जो पैटर्न मैंने आपको सजेस्ट करा था, हमने सोचा था कि मार्केट उस फिर नीचे आएगी क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ आ गए थे, नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ गए थे। और जो सीरिया में जो यूएस ने बोला था कि वो लोग मिसाइल चला सकती है सीरिया पे, तो उसकी वजह से भी हमने यूएस मार्केट पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आते हुए देखा था। तो आज हमने देखना है कि सीपीआई और आईआईपी के शायद यूएस के रिजल्ट्स आने और अच्छे आ सकते हैं, 2.1 के नीचे आ सकते हैं परसेंट के, तो वो मार्केट को और ऊपर लेकर जा सकती है। और अब जो कॉर्पोरेट एक्शंस के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो भी अच्छा कर सकते हैं। कल अगर हम बात करें तो कल आपको इन्फोसिस में ज़्यादा अच्छी नज़र रखनी पड़ेगी क्योंकि इन्फोसिस का कल रिजल्ट आने वाला है और शायद मार्जिन में थोड़ा अच्छा रिजल्ट आ सकता है, तो इन्फोसिस को वॉच करके चलिए। अगर थोड़े अच्छे रिजल्ट आते तो इन्फोसिस आपको अच्छा खासा रिटर्न कमा के दे सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और इस बेल आइकन को दबाइए जिससे आप मेरी लेटेस्ट अपडेट्स वीडियोस पा पाएं। और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप कमेंट में करके मुझे बताइए, आपको कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुझे प्रॉफिट होता है। और अगर आपको कोई भी बैंक निफ्टी से रिलेटेड या पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड आपको क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दिया करूंगा।